नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। सी लैंग्वेज के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि उसका प्रोग्राम्स क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमको इस क्वेश्चन को जानना जरूरी है कि वो क्वेश्चन क्या है, किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है एड द डिजिट्स ऑफ ए थ्री डिजिट नंबर। जैसे सपोज कर लो 4, 5, 6 मैंने अगर एंट्री किया है तो इसका मतलब होता है कि इसमें जो सॉल्यूशन आएगा वो 4 प्लस 5 प्लस 6, ये यानी इस तरह से इसका आंसर क्या आना चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 6 प्लस 4 प्लस 5 मतलब 15, ये वैल्यू आना चाहिए। तो इसका मतलब है एक थ्री डिजिट नंबर हम इंपोर्ट करेंगे और उसका जो होता है उसका समेशन आपको निकलना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि थ्री डिजिट नंबर का समेशन निकालना, तो ये तो हमने देख लिया कि किस तरह से होता है। इसका मतलब है अगर मुझे इंडिविजुअल डिजिट पता हो तो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है कि सी प्रोग्रामिंग में एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है। तो चलिए मैं इसके लिए कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, फिर प्रोग्रामिंग में चलेंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक सिंपल सा ले रहा हूँ, जैसे 4, 5, 6, आप देखिए इसको अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो 10 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो सिंपल सी बात है इसमें हमको क्या मिलेगा। अगर मैं इसको डिवीजन बाय 10 कर देता हूँ तो डेफिनेटली इसका जो वैल्यू है वो आपको क्या रिमाइंडर देगा। तो अगर मैं रिमाइंडर की बात करता हूँ तो आपको क्या रिमाइंडर देगा, 6। यानी मैं अगर रिमाइंडर की बात करता हूँ, ये रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर में हमको 6 मिलेगा। तो जब रिमाइंडर में 6 मिलेगा तो इसका मतलब है एक डिजिट आपको मिल गया, यानी 6 जो डिजिट है वो मिल रहा है। अब रिमाइंडर मिलने के बाद अगर मैं इसको 6 को हटाना चाहता हूँ तो देखिए एक ट्रिक है हमारे पास, 4, 5, 6 अगर मैं डिवाइडेड बाय मॉडुलस, मैं यहाँ पे रिमाइंडर किया हूँ, यहाँ रिमाइंडर नहीं होगा, एक मिनट मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, मैं इसको रिमाइंडर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं इसका मॉडुलस लेता हूँ, इसको करेक्शन कर लेंगे आप लोग, अगर मैं इसका मॉडुलस लेता हूँ, मॉडुलस मतलब अगर मैं परसेंटेज ऑपरेटर लेता हूँ तो रिमाइंडर हमको क्या आएगा, परसेंटेज ऑपरेशन जो होता है मॉडुलस के लिए, तो रिमाइंडर 6 आया। अब मैं इसमें 10 से अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, 45.6 वैल्यू मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि 45.6 वैल्यू में से अगर 6 को डिस्कार्ड कर देते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, 45। तो इसका मतलब है 45 आ गया। अब इस 45 को डिवाइड नहीं करेंगे, मॉडुलस निकालेंगे। अब ये जो 45 मिला उसका हम यहाँ पे मॉडुलस निकालेंगे, तो 45 का जो हमारे पास मॉडुलस आएगा, तो देखिए 45 है, 45 का हम इसका मॉडुलस निकालेंगे, 10 से मॉडुलस निकालेंगे तो डेफिनेटली आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा। अब इसी तरह से 45 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 10 से तो आपके पास आएगा 4.5। तो इस 4.5 में से अगर मैं 5 को डिस्कार्ड कर देता हूँ तो मेरे पास बचेगा 4। अब इस 4 को मैं तो ये एक सिंगल डिजिट है, अब इसका मॉडुलस ऑपरेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल डिजिट में जैसे ही होता है ये हमारा काम ख़त्म। तो इसका मतलब बताएं कि अगर 4 का अगर मॉडुलस निकालते हैं, जैसे मैं 4 का मॉडुलस निकालता हूँ, एक ऑपरेशन करता हूँ 4 का मॉडुलस निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 4। और अगर मैं बात करूँगा 4 नहीं मिलेगा तो हमको क्या मिलेगा, रिमाइंडर। हाँ, तो हमको क्या मिलेगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 हमको रिमाइंडर मिलेगा। और 4 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 10 से तो आपको मिलेगा 0.4, ये मिलेगा। तो इसका मतलब 0.4 मतलब डिस्कार्ड, तो इसका मतलब अल्टीमेटली आपके पास 0.4 मिला, तो यानी 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब है जैसे ही न्यूमेरिकल यानी इंटीजर फॉर्म में हमको 0 मिलेगा डेसिमल के पहले का भाग, तो हमारा काम ख़त्म। तो यहाँ पे हमको स्टॉप कर देना है, तो यानी ये हमारा स्टॉप हो गया, ये स्टॉप कंडीशंस है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ से मैंने शुरू किया है और स्टॉप आगे, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। अब तो ये जो कंसेप्ट है इसको मैंने मान लिया कि ये मेरा स्ट्रैटेजी है जिसको मुझे सॉल्व करना है। अब जब ये स्ट्रैटेजी को जब हम किसी कोडिंग में ट्रांसफ़र करते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर 45.6 है इसको अगर मैं कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज़ करते हुए करूँगा तो ये सॉल्व हो पाएगा। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर कोई वेरिएबल लेते हो
और उसमें अगर आप किसी डेसिमल पॉइंट को सेंड करते हो या डेसिमल पॉइंट को स्टोर करते हो तो डेफिनेटली उसमें जो स्टोर होगा वो आपका हो जाएगा इंटीजर वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लेफ्ट साइड में आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपने किया है इंटीजर, इंटीजर आपने इसमें एक्स लिया है। अब सपोज कर लो एक्स इज इक्वल टू आपने यहाँ पे 10.5 स्टोर किया है, तो इसका मतलब है आपने गलती से भले 10.5 स्टोर किया क्योंकि आपने यहाँ पे इंटीजर डिक्लेयर किया है, तो इसका मतलब है ये खाली इंटीजर जो पोर्शन है उसी को कंटेन करता है, इसको नहीं करेगा। तो डेफिनेटली ये वाला जो पोर्शन है वो डिलीट हो जाएगा और आपके पास जो बचेगा वो 10 बचेगा। तो इसका मतलब होता है कि x इज इक्वल टू आपके पास आंसर आएगा 10। तो देखिए कि क्या इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब है कि एक वैल्यू को अगर आप गलती से x में प्रोवाइड करते हो जो कि डेसिमल वैल्यू है तो ऑटोमेटिकली एक वैल्यू जो होता है डिस्कार्ड होकर इसमें स्टोर हो जाता है। तो क्यों ना हम उसी कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास 4, 5, 6 को 10 से डिवाइड करता हूं और उसको अगर मैं ऐसे इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करता हूं तो डेफिनेटली हमारा जो वैल्यू आएगा क्या आएगा। तो चलिए मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि x इज इक्वल टू अगर मैं 4, 5, 6 डिवाइडेड बाय 10 करता हूं तो डेफिनेटली जो स्टोर होगा वो 45.6 कन्वर्ट होगा, उसके बाद स्टोर होगा। तो जब ये x में स्टोर होगा तो यानी 45.6 स्टोर ना होके क्या स्टोर होगा 45। तो ऑटोमेटिकली जो मैं यहाँ ऑपरेशन करता हूँ कि 10 से डिवाइड होने के बाद 6 ऑटोमेटिकली काटना है या उसको हटा देना है, तो देखिए यहाँ अपने आप सी लैंग्वेज में ये पॉसिबल हो पा रहा है। सी लैंग्वेज अपने आप इसकी खास बात है कि इंटीजर में डेसिमल पॉइंट डिस्कार्ड हो जा रहा है। तो एक्चुअली मुझे जो चाहिए था वो इस तरह से हमको इसका जो फीचर्स है सी का उसके बेस पर हमको मिल गया। तो इसी तरह से अगर मैं इसी स्टेप में बात करता हूँ तो यहाँ पे भी 4.5 आएगा लेकिन 4 जाके, तो यानी मैं जिसमें स्टोर कर रहा हूँ उसके बेस पर स्टोर जाएगा। तो उसका मतलब हुआ है कि अगर ये मेरा प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में आ रहा है तो इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। सीधी सी बात है कि मैं इसको अपने आइडियाज़ में ले सकता हूँ और इसकी कोडिंग कर सकता हूँ। तो चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं कैसे होगा। तो मैं बना रहा हूँ मेन, तो ये मेन लिखा। अब मैं इंटीजर एक वेरिएबल ले लूँगा n, यानी जिसमें मेरा पा मैं स्टोर कर दूंगा 4, 5, 6 को मैं स्टोर कर दूंगा और ये हो गया मेरा पहला। दूसरा एक इंटीजर मैं लूँगा जो सम करेगा, तो इसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ ताकि इसकी वैल्यू जो होता है 0 हो जाए, s इज इक्वल टू 0। अब मेरा काम है कि एक एक वेरिएबल एक एक वैल्यू को लेना है और उसमें स्टोर करते जाना है। तो चलिए मैं एक ले लेता हूँ r करके एक वैल्यू ले लेता हूँ जिसमें मैं रिमाइंडर स्टोर करूँगा और उसको यूटिलाइजेशन करूँगा। तो देखिए अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जैसे आप देखिए r इक्वल्स टू मेरे पास जो 4, 5, 6 है वो n में स्टोर है n, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ 10 से मॉडुलस कर रहा हूँ। तो r में डेफिनेटली इसमें से एक वैल्यू आएगा यानी 6 वैल्यू इसमें स्टोर होगा। मैं साथ ही साथ यहाँ एक सिंपल सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 6 वैल्यू यहाँ स्टोर हो रहा है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा s में इसको प्लस करूँगा, तो s की वैल्यू जो पहले थी और जो r की वैल्यू हमको मिली वो स्टोर कर दिया मैंने। तो अब s की वैल्यू में डेफिनेटली अब ये 6 हो गया। मैं यहाँ पे ये आप नहीं लिखेंगे कोडिंग में, ये मैं आपको समझाने के लिए कि कैसे हो रहा है, s की वैल्यू क्या आ रही है, यानी s इज इक्वल टू 6 हो गया। अब नेक्स्ट जो होता है मेरा काम है कि n की वैल्यू में चेंजेस लाना है, तो n डिवाइडेड बाय 10, n एक इंटीजर है तो मैं अगर ये करूँगा तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 45 बच जाएगा यहाँ पे, हो गया। अब फिर मैं r का कैलकुलेशन करूँगा, r इज इक्वल टू जो n यूज हुआ वो n परसेंट ऑफ d, तो R में कुछ और स्टोर होगा जो नेक्स्ट वैल्यू है R में, मतलब 5 स्टोर हो जाएगा। अब S को मैं कैलकुलेट करूंगा, S इज इक्वल टू S प्लस R, तो ये R हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये स्टोर हो गया। अब सिंपल सी बात है, फिर से वो स्टेप दोहराऊंगा, N इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया। तो यहाँ पे डिवाइड करने से हमारे पास क्या बचेगा 4,
अब फोर आपके पास है तो आप सीधी सीधी बात, आप चाहे तो इस कोड में ऐसा लिख सकते हैं, लास्ट डिजिट है तो फोर यानी एस इज इक्वल टू एस प्लस एन कर सकते हैं डायरेक्टली, आपको मालूम है कि लास्ट डिजिट है तो उसको एन करना है, और ये हो गया आपका कोड खत्म। ठीक है, तो कोड खत्म होगा तो उससे पहले मैं इसको दिखा देता हूँ। अब आपके पास आता है प्रिंट करना है कि प्रिंट द सम अप, क्योंकि ये बोला है कि आपको सम करना है तो आप यहां पे यूज करेंगे प्रिंट एफ परसेंट ऑफ सम इक्वल्स टू परसेंट ऑफ डी कॉमा एस, तो ये, तो ये हमारा खत्म हो गया, ये हमारा कोड। तो आप देख सकते हैं कि मैं जो सम ऑफ डिजिट्स है उसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट मैंने यहां अप्लाई किया है, और उस कंसेप्ट को यानी जो सी के फीचर्स है, यानी जैसे इंटीजर का कंटेंट करना है तो उस तरह से मैंने इसको ऐड करके इस तरह से बना दिया। अगर इसको फोर डिजिट के लिए बनाना है तो आपको स्टेप्स बनाने पड़ेंगे, तो इसका मतलब है आप यहाँ ध्यान दीजिए कि हमारे पास जो ग्रुप ऑफ स्टेप्स है वो ये है एक्चुअल फिगर, ये ग्रुप ऑफ स्टेप्स है, ये रिपीट हो रहा है, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से अगर आप फोर डिजिट, फाइव डिजिट, सिक्स डिजिट के लिए बनाना चाहते हैं तो बेस्ट आइडिया है कि हमारे पास जो स्टेप्स है आर एस और एन का जो स्टेप्स है ये रिपीट हो रहा बार बार, तो जब ये रिपीट हो रहा है तो क्यों ना हम इसको फॉर लूप में लगा देते हैं। तो मल्टीपल फॉर लूप में, यानी फॉर लूप में अगर लगाएंगे तो हमारे पास ये तीन स्टेप्स से हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम सॉल्व हो जाएगा। तो उसको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि कैसे होता है। तो ये एक बेसिक था जो कि मैंने आपको बताया तीन डिजिट के लिए, आप चाहे तो इसको चार को पांच के लिए भी बना सकते हैं, छह के लिए भी बना सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का आप कितने नंबर ऑफ डिजिट्स ले रहे हैं। तो जब आप नंबर ऑफ डिजिट बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इंटीजर की जगह लॉन्ग फ्लोट या कुछ भी है उसको आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि मैं एन का अगर इंटीजर यूज करता हूँ तो उसका बेनिफिट हमको ये मिलता है कि जो डेसिमल पॉइंट है ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाता है, और हम जो चाहते हैं कि हमारे पास कौन सा वैल्यू बचे वो हमको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। यानी एक फीचर्स को हमने अपने यूजफुलनेस के लिए अपने लिए उसको यूज किया है। तो देख सकते हैं कि